नमस्ते प्रिय दोस्तों तथा विद्यार्थियों, आज हम टैली 9 में वैल्यू एडेड टैक्स वैट का फुल ट्रीटमेंट करेंगे। इस शिक्षा के दो उद्देश्य हैं। पहला यह है कि इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद अकाउंटेंट परचेज और सेल की एंट्री विद वैट इन टैली में कर सकेंगे। दूसरा, अकाउंटेंट खुद ही वैट की रिटर्न भरने के योग्य हो सकेंगे। तो चलो सीखते हैं फुल ट्रीटमेंट ऑफ वैट इन टैली 9। देखिए, जब आप टैली को खोलते हो तो राइट साइड में आपको फीचर बटन दिखाई देता है। इसके अंदर 3 बटन लगे हुए हैं, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर और स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन। आपने स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन को क्लिक करना है। इसमें विभिन्न वैधानिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए सेटिंग्स हैं। यदि आप इसको यस करते हो, एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स के सामने, तो आप इस योग्य हो सकोगे कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटपुट वैट की है, कितनी इनपुट वैट की है और कितना नेट हमने गवर्नमेंट को वैट देना है। इसलिए आप इन दोनों के सामने यस लिखकर इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद वापस आप एस्केप डालकर आएं। फिर अकाउंट इन्फो में आप जाएं, लेज़र में जाएं, क्रिएट करने हैं हमने लेज़र अकाउंट्स। यहाँ मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक एक लेज़र अकाउंट क्रिएट करो, क्योंकि इनपुट वैट और आउटपुट वैट की डिटेल सिंगल मोड में है, मल्टीपल मोड में नहीं। तो इनपुट वैट आपने बनाना है, अंडर रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेशन। तथा जैसे ही आपके व्यापार का जो रेट होगा वह आपने यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ 12.5% है, आपका हो सकता है 4% हो। और इस फॉर्म को भी जो लेज़र क्रिएशन का इनपुट वैट है अकाउंट बनाने के लिए एक्सेप्ट कर लो। आगे ऐसे ही आपने आउटपुट वैट का लेज़र अकाउंट क्रिएट करना है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में। तीसरा, नेट वैट पेबल अकाउंट बनाना है, वो भी ड्यूटी एंड टैक्सेशन में, क्योंकि कुछ इनपुट वैट आपने परचेज के ऊपर दे दिया तथा उसी का टोटल आउटपुट वैट भी आपने पे किया, तो नेट जो वैट की पेमेंट होगी जो गवर्नमेंट को आपने आपने देनी है उसके लिए भी तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नेट वैट पेबल अकाउंट बनाना है। ऐसे ही परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट आपने लेज़र क्रिएट करना है। सेल अकाउंट अंडर सेल अकाउंट आपने लेज़र क्रिएट करना है। ऐसे ही जितने ही आपके क्रिएटर्स हैं उनके आप लेज़र क्रिएट कर सकते हो। ऐसे जितने भी आपके डेटर्स हैं, जैसे राजू है या कोई और है, उसके डेटर्स अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हो अंडर सन्डरी डेटर्स। इसको एक्सेप्ट आप करते जाइए। उसके बाद आप जब रिटर्न करोगे तो अकाउंट वोचर्स में आप वोचर एंट्री कर सकते हो टैली 9 में। जैसे मैंने सिंगल मोड में रखा हुआ है,
25 की वोचो एंट्री है, राम जी से हमने उधार माल खरीदा है, तथा मान लीजिए हमने 10 कंप्यूटर खरीदे हैं, 10,000 का एक है, 1 लाख की पेमेंट हो गई जो अभी दी नहीं, तो इसका इनपुट वैट 12.5%, 12,500 रुपये है। इसके साथ ही आपने लिखना है और एक्सेप्ट कर दीजिए आप इसको। उसके बाद सेल लेजर, आपने सेल अकाउंट आपने बनाना है। हमने माल राजू जी को बेचा, 10 कंप्यूटर थे, 10 कंप्यूटर 20,000 के हिसाब से बेच दिए, और उसके ऊपर आउटपुट वैट जो हमें प्राप्त हुआ वह 25,000 था। तो कुल जो बिल बनेगा राजू के नाम वो मिलाकर बनेगा। अब हम देखते हैं कि कितना हमने इनपुट वैट दिया और कितना हमको आउटपुट वैट आया, तथा इसका जो डिफरेंस है नेट वैट वो कितना हमने गवर्नमेंट को देना है। उसके लिए आपने डिस्प्ले में जाना है, उसके बाद स्टैचुटरी रिपोर्ट्स है, फिर वैट रिपोर्ट्स में जाना है। इसमें वैट कंपटीशन होगा, आपको वैट 12.5% के हिसाब से जो आउटपुट वैट है 25,000 आया, आपने जो पहले खरीद पे दिया था वो 12,500 है, नेट वैट जो पेबल है वो 12,500 है जो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराना है। इसको जब आप प्रिंट करोगे तो इसी का ही आपको जो फॉर्म है 15 और 16, उसमें आप जब गवर्नमेंट को जमा कराना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। इसके बाद नेट वैट जो पेबल है उसकी भी एंट्री आपने स्वयं करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टैली 9 ट्यूटोरियल। प्लीज़ कीप इन टच विद अकाउंटिंग एजुकेशन।